कोर कोर दोस्तों आ गया हूँ क्लिक क्लिक और अमेजिंग चैप्टर लेके सीएसएस ट्यूटोरियल का, यानी कि जो आपका सीएसएस ट्यूटोरियल चल रहा है उसी का चैप्टर है, चैप्टर 3 है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए जरा। सीएसएस पढ़ने से पहले आपको एचटीएमएल पढ़ना है, यानी कि अगर आपको एचटीएमएल की नॉलेज नहीं है तो आप सीएसएस मत पढ़िए, पहले आप एचटीएमएल पढ़िए। ये दोनों प्लेलिस्ट बिगिनर्स के लिए बनाया जा रहा है, जिनको एचटीएमएल सीएसएस नहीं आती या जो प्रोग्रामिंग के फील्ड में जो नए हैं, यानी कि जो नए हैं बिल्कुल प्रोग्रामिंग फील्ड में, उनके लिए ये दोनों प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो पहले आपको एचटीएमएल पढ़ना है, उसके बाद सीएसएस पढ़ना है। एचटीएमएल का वीडियो मॉर्निंग में जाता है और सीएसएस का वीडियो इवनिंग में जाता है, तो आप अपने टाइम से शेड्यूल बना लीजिए और पढ़ते रहिए। लेकिन बिना एचटीएमएल के सीएसएस नहीं पढ़ना है, पहले आपको एचटीएमएल ही पढ़ना है उसके बाद सीएसएस पढ़ना है। चैप्टर 3 है ये सीएसएस का। लास्ट वीडियो में, यानी कि इससे पहले जो वीडियो गया था उसके अंदर हमने टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ा था सीएसएस के अंदर और उसके वैल्यूज को डाला था। अभी हम कुछ और प्रॉपर्टीज और वॉल्यूम्स पढ़ेंगे टेक्स्ट से रिलेटेड ही, लेकिन उससे पहले आप वीएस कोड में आ जाइए। आपको एक नया फाइल बनाना है सीएसएस का, या हम अभी देखिए सीएसएस का भी नया फाइल बना सकते हैं, लेकिन अभी हम इनलाइन सीएसएस का यूज करेंगे। इनलाइन सीएसएस का मतलब, सॉरी, इंटरनल सीएसएस का यूज करेंगे। 3 तरीके से आप सीएसएस को लिख सकते हैं, एक तो इनलाइन, दूसरा इंटरनल और तीसरा आप एक्सटर्नल सीएसएस लिख सकते हैं। तो तीनों पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जो इनलाइन सीएसएस है वो एचटीएमएल के अंदर आपका प्रैक्टिस करवाया जाएगा इस वाले प्लेलिस्ट में, और अभी हम इंटरनल सीएसएस की बात करेंगे, यानी कि इंटरनल सीएसएस का मतलब एचटीएमएल पेज के अंदर ही सीएसएस का कोड लिखना है, और एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब हो गया कि सीएसएस का अलग फाइल बनाना, यानी कि सीएसएस एक्सटेंशन में फाइल बनाना और उसको लिंक करना है एचटीएमएल के अंदर। जब हम बड़ा कोड करेंगे तब हम वैसा काम करेंगे, अभी फिलहाल इंटरनल सीएसएस पे ही बात करिए। आप कंट्रोल एड करिए जरा, कंट्रोल एस कर लेंगे, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे। तो डेस्कटॉप पे जाइए इस तरीके से और यहाँ पर लिखिए जरा css-chapter-3.html, इसका एक नाम रख देंगे .html, यानी कि chapter-3 css-chapter-3 इसका नाम हो गया और .html एक्सटेंशन कोड हो गया। तो अभी फिलहाल html के एक्सटेंशन कोड में ही सेव करिए, क्योंकि हमें इंटरनल css पे काम करना है। ठीक है, परफेक्ट। html फाइल को कंप्लीट स्टेक लिखने के डॉक टाइप html लिखेंगे इस तरीके से, एंगल ब्रेक डॉक टाइप html, या अब एक शॉर्टकट तरीका भी है, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन का सिंबल लेते हैं तो ये सारा इस तरीके से html फाइल का कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ऐसे लिखिए, आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, उसके बाद आपका एचटीएमएल स्टार्ट होता है। तो ऐसे एचटीएमएल स्टार्ट करके क्लोज करेंगे, इसके बीच में आपका हेड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर बस हेड स्टार्ट करिए, और इसके बीच में आपका टाइटल स्टार्ट होता है। तो टाइटल लिखिए इस तरीके से, टाइटल में हम लिख देंगे css chapter 3। तो css-chapter-3 ये कहाँ दिखता है, ये आपको अभी आप ओपन करिए जरा, कंट्रोल ओ करके ओपन विद गूगल क्रोम कर लीजिए। तो हमारा जो चैप्टर है ये वाला, इसको राइट क्लिक करके और ओपन विद गूगल क्रोम करेंगे। ये देखिए मैंने ओपन विद गूगल क्रोम किया, ये ओपन हो गया, यहाँ पर दिखाई ये टाइटल होता है, जो भी आप टाइटल में लिखते हैं ना, यानी कि यहाँ पर जो आप टाइटल में लिखते हैं वो यहाँ दिखता है ऊपर की तरफ सीएसएस, यहाँ पर देखिए css chapter 3 ये लिखा हुआ है, परफेक्ट। अब इस हेड के बाद हम बॉडी स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा हेड है, यहाँ पर क्लोज हुआ, इसके ठीक नीचे बॉडी को स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, बॉडी स्टार्ट बॉडी क्लोज। अब इसके बीच में हम H1 से लिखते थे कुछ भी, जैसे मैंने लिखा जस्ट फोर कोड, या जरूरी नहीं जस्ट फोर कोड लिखा जाए, कुछ भी लिखा जा सकता है, मैंने ऐसे लिखा। अगर हम पेज को रिलोड करेंगे यहाँ पर आके, तो देखिए जस्ट फोर कोड दिखा आपको, ठीक है। टेक्स्ट रिलेटेड, यानी कि टेक्स्ट रिलेटेड कुछ आपने सीएसएस की प्रॉपर्टीज पढ़ा था, जैसे कि आपको फिर से प्रैक्टिस कराते हैं, तो टाइटल के नीचे या ऊपर आ जाइए कहीं पर भी, स्टाइल टैग को स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, स्टाइल टैग को क्लोज कर लेंगे, H1 को डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था टेक्स्ट अलाइन सेंटर के नाम से, यानी कि टेक्स्ट अलाइन ये प्रॉपर्टी हो गया, और सेंटर क्या है, एक वैल्यू है, ये अगर आप लगाते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में चला जाएगा। ये देखिए थोड़ा जूम कर देते हैं, ये देखिए परफेक्ट, तो टेक्स्ट आपका सेंटर में चला गया। फॉन्ट साइज अगर आपको बढ़ाना था तो क्या करते थे, फॉन्ट साइज के नाम से प्रॉपर्टी आप सेट करते थे इस तरीके से, फॉन्ट साइज आप 18 पिक्सल या आप कुछ भी रखते थे, 35 पिक्सल अगर आपने किया तो ये थोड़ा और बड़ा हो गया। देखिए रिलोड करेंगे, ये देखिए थोड़ा बड़ा हो गया फोन साइज इसका, इस तरीके से और ज्यादा बड़ा करेंगे इसको, 50 पिक्सल अगर आप करते हैं तो 50 पिक्सल हो जाएगा, इस तरीके से अगर आप रिलोड करते हैं, ये देखिए थोड़ा और बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये फोन साइज है डिफॉल्ट आपका, यानी कि अगर आप फोन साइज नहीं लगाते तो H1 का जो डिफॉल्ट साइज आता है वो आपको दिखेगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर आपने पढ़ा था, राइट अगर आप यहाँ पर करते हैं तो क्या होगा, राइट में चला जाएगा, यानी कि जो आपका टेक्स्ट है वो राइट में चला जाएगा, ये देखिए। अच्छा, इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए आप सेव करते हैं या ऑटो सेव लगा होना चाहिए, मैं सेव नहीं करता हूँ, यानी क्योंकि मेरे में ऑटो सेव लगा हुआ है, देखिए चेक है, तो आपका भी ये चेक होना चाहिए, ठीक है, ये चेक रहना चाहिए। अगर नहीं चेक है तो इस पर क्लिक कर देंगे, चेक हो जाएगा, तो आपको सेव नहीं करना पड़ेगा, बस आपको जाना है यहाँ पर रिलोड करना है। तो टेक्स्ट अलाइन राइट लिखेंगे तो राइट में चला जाएगा, एक और होता है टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट,
अगर आप लिखते हैं तो लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से लेफ्ट में आ गया है। सेंटर के लिए आप यहाँ पर सेंटर लिखते थे, परफेक्ट। कुछ और प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। देखिए मैंने रिलोड किया तो सेंटर में चला गया। इसके ठीक नीचे यानी कि जो H1 टैग है, इसके ठीक नीचे P टैग को स्टार्ट करेंगे, और P टैग के बीच में मैं ऐसे लिख देता हूँ लॉरम, तो एक जो है पैराग्राफ हमें मिल जाएगा। ये देखिए लॉरम मैंने लिखा, तो लॉरम लिख के अगर आप इंटर करते हैं कैसे लिखेंगे इस चीज को, देखिए जरा मैं इसको हटाता हूँ। P टैग के बीच में आ जाइए और यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए जरा लॉरम। ठीक है, लॉरम लिख के अगर आप इंटर करते हैं, ये ब्लू वाला आना चाहिए, इंटर कर देंगे तो आपको जो है एक लंबा सा पैराग्राफ मिल जाएगा। अगर आप रिलोड करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से दिखा। इसको भी आप सेंटर वगैरह में कर सकते हो। कैसे करेंगे देखिए, यहीं पर आइए जरा, P टैग को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर अगर आपने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया तो ये भी आपका सेंटर से ही स्टार्ट होगा, परफेक्ट। ये देखिए जरा रिलोड करिए जरा, तो ये देखिए सेंटर से स्टार्ट हुआ, परफेक्ट इस तरीके से। इस पे और भी यानी कि इन चीजों पे आपको काम करना है, कुछ और प्रॉपर्टीज सीखना है, जैसे कि टेक्स्ट शेडो, शेडो कैसे लगाएंगे वो भी समझिए। तो H1 में अगर आपको शेडो लगाना है तो इसके ठीक नीचे काम करेंगे, तो टेक्स्ट हाइफन शेडो इसके नाम से प्रॉपर्टी है, उसको लिखेंगे। और जैसे आपने दिया 2 पिक्सल, तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल शेडो, वर्टिकल शेडो के लिए 2 पिक्सल ऐसे दे दीजिए। इसके बाद ब्लर देते हैं, अगर आपने नहीं दिया सपोज करो 2 पिक्सल, 2 पिक्सल सिर्फ आपने लिखा, और रिलोड करते हैं तो देखिए ब्लैक शेडो आता है, डिफॉल्ट ब्लैक शेडो आता है इस तरीके से। ठीक है, अगर आपने सपोज करो 2 पिक्सल और यहाँ पर आपने कोई कलर दिया, जैसे हमने रेड दिया यहाँ पर, तो रेड कलर में आ जाएगा शेडो। देखिए हमने रेड कलर दे दिया, रिलोड करेंगे ये देखिए रेड कलर में आया, लेकिन इसमें जो है ये शेडो जो है ये ब्लर नहीं है, शेडो में देखिए ब्लर नहीं है, वैसे यानी कि एज इट इज शेडो लिखा उसका। किसी भी वैल्यू को अगर आप बढ़ाते हैं, जैसे मैंने इसको बढ़ाया 10 पिक्सल कर दिया, तो होगा क्या यानी कि जो वर्टिकल शेडो वो बढ़ेगा, ये देखिए वर्टिकली शेडो नीचे की तरफ आ गया, परफेक्ट। तो सिर्फ आप 2 वैल्यू देते हैं, तो यानी कि 2 वैल्यू अगर आप देते हैं, जैसे हमने सिर्फ जो है टेक्स्ट शेडो सॉरी जस्ट फॉर कोड लिखा और टेक्स्ट शेडो दिया, तो इसमें 2 वैल्यू दिया, तो 2 पिक्सल दिया ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल शेडो, ठीक रेड कलर हमने दे दिया। इसमें 3 वैल्यू देते हैं, अगर आपने एक और वैल्यू दिया, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर 5 पिक्सल और वैल्यू दी, तो 5 पिक्सल ब्लर हो जाएगा। ब्लर का मतलब अभी देखिए ये सीधा सीधा शेडो दिख रहा है, लेकिन अगर आप रिलोड करेंगे इसमें ब्लर हो गया, ये देखिए इतना ज्यादा ब्लर हो गया। अगर आपको कम ब्लर करना है तो इसको और कम कर दीजिए, 1 पिक्सल कर दीजिए, ठीक है, तो ये कम ब्लर होगा। रिलोड करेंगे तो देखिए थोड़ा कम ब्लर हुआ, 2-3 पिक्सल करेंगे तो और ज्यादा ब्लर हो जाएगा, ये देखिए रिलोड करेंगे तो ब्लर हो गया। ठीक है, तो जितना ब्लर करना है वो तीसरा वैल्यू है आपका, ये आपका वर्टिकल शेडो और ये आपका हॉरिजॉन्टल शेडो, ठीक इस तरीके से। अगर आपने सिर्फ 2 वैल्यू दिया तो ब्लर नहीं होगा, यानी कि सिर्फ जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शेडो शेप है, ये देखिए जस्ट फॉर कोड इस तरीके से दिखा। रेड आपने लिखा रेड कलर में दिखेगा, अगर आपने ब्लू दिखा सपोज करो आप यहाँ पर ब्लू लिखते हो, तो ब्लू कलर में आपको शेडो दिखेगा, ये देखिए रिलोड करेंगे तो आपको ब्लू कलर में शेडो दिखा। तो शेडो पे काम करने के लिए आप ऐसे काम कर सकते हो, 2-3 वैल्यू में भी शेडो दिया जा सकता है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि 2 से 3 वैल्यू दें ब्लर, अगर आप देना चाहते हो तो ब्लर यहाँ पर दीजिए, आप यहाँ पर 5 पिक्सल ब्लर दीजिए तो 5 पिक्सल वो ब्लर हो जाएंगे, यानी कि पहला वैल्यू 2 पिक्सल, फिर 10 पिक्सल, फिर 5 पिक्सल, फिर आपका कलर, ये आपका ब्लर होता है कि कितना ब्लर आपका दिखेगा, यानी कि जो शेडो कितना ब्लर है, ये इस तरह से ब्लर हो। इस शेडो को आप 2-3 वैल्यू में भी दे सकते हो, यानी कि अगर आप चाहे तो 2 से ज्यादा वैल्यू देना दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। यहाँ पर आइए जरा, तो ये शेडो है, ठीक है, इसको फिर से प्रैक्टिस करते हैं, इसको हटाइए। 2 वैल्यू अगर आपको देना है तो ऐसे लिखेंगे फिर से टेक्स्ट हाइफन शेडो, यानी कि 2 कलर में अगर आपको देना है तो टेक्स्ट शेडो फिर से लिखेंगे, जिससे मैंने दिया 0 यानी कि टॉप बॉटम 0, फिर 0, और उसके बाद हमने 3 पिक्सल दिया। तो ऐसे भी कलर आप दे सकते हो, यानी कि अगर आपने रेड लिखा देखिए 0 0 3 पिक्सल, तो सिर्फ ब्लर आएगा, यानी कि सिर्फ ब्लर का इफेक्ट दिखा दे, ये देखिए रेड में सिर्फ ब्लर का दिखा। अगर आप इसका वॉल्यूम बढ़ाते हो, जैसे हमने कर दिया 5 पिक्सल, ठीक है, और इसको हमने कर दिया 3 पिक्सल, परफेक्ट, तो अभी ये थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा है, ये देखिए नीचे की तरफ, यानी कि वर्टिकल शेडो ज्यादा बढ़ा है ना, यानी कि वर्टिकल ज्यादा है इसलिए ये थोड़ा नीचे की तरफ दिखा इस तरीके से। इसको 2 कलर में आप मिक्स कर सकते हो, जैसे पहला रेड हो गया, एक और कलर आप ब्लू देना चाह सकते हो, तो यहाँ पर आप कॉमा दीजिए और यहाँ पर फिर से आप दे दीजिए, तो 3 पिक्सल, उसके बाद 5 पिक्सल, उसके बाद फिर से 3 पिक्सल दीजिए और यहाँ पर ब्लू कलर दे दीजिए, तो यहाँ पर आप कॉमा दे दीजिए, यानी कि जो अगला कलर है रेड हमने दिया था, इसके बाद कॉमा देके अगला कलर दे देंगे, तो 2 वैल्यू में आपका ये शेडो यानी कि इसमें 2 कलर आएगा। देखिए 2 कलर, एक तो ब्लू हो गया और रेड हो गया, एक और कलर अगर आप मिक्स करना चाहते हो तो आप जो है 3 वैल्यू दे दो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी करके, यहाँ पर कॉमा देंगे, उसके बाद कंट्रोल भी कर देंगे, और यहाँ पर आप कोई कलर दूसरा दे दो, तो मैंने जैसे दे दिया ऑरेंज, या कोई और भी कलर दिया जा सकता है। रिलोड करेंगे तो देखिए 3 वैल्यू में शेडो आ गई, तो जितना वैल्यू आप देना बढ़ा सकते हो इस तरीके से। आप जो है RGB वगैरह भी पढ़ेंगे आगे, तो फिलहाल
आप यानी कि अगर आप 3-4 कलर में शेडो देना चाहते हैं तो ऐसे देंगे, ठीक है। मैं इंटर कर देता हूँ ताकि आपको परफेक्ट पता चले। देखिए जरा, तो ये टेक्स्ट शेडो से रिलेटेड ही प्रॉपर्टी, इतना आपका टेक्स्ट शेडो से रिलेटेड है। ये टेक्स्ट शेडो है, इसको बोलेंगे प्रॉपर्टी, और ये आपका वैल्यू है। तो ये तीनों एक ही वैल्यू है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ही वैल्यू है, इसका वैल्यू है ये तीनों, ठीक है। तो टेक्स्ट शेडो से रिलेटेड हमने पढ़ा, और भी बहुत सारी हैं जो कि आप पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो शेडो देना होगा तो आप ऐसे ही देंगे, अगर आपको सिर्फ दो वैल्यू देना है तो आप ऐसे लिख सीजिए 2 पिक्सल 2 पिक्सल, और यहाँ पर आप कलर दे दीजिए रेड, परफेक्ट। तो ये देखिए 2 पिक्सल हॉरिजॉन्टल और 2 पिक्सल वर्टिकल शेडो आएगा, परफेक्ट। अगर आपको वर्टिकल शेडो, अगर आप हॉरिजॉन्टल शेडो बढ़ाते हैं, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल शेडो बढ़ाया तो हॉरिजॉन्टली ये बढ़ जाएगा, ये देखिए इधर की तरफ दिखेगा। लेकिन अगर आप वर्टिकल बढ़ाते हैं, जैसे वर्टिकल को हमने 20 कर दिया, तो वर्टिकली ये नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ भाग गया। ये शेडो है, ये शेडो ही है, इसको ब्लर अगर आप करना चाहते हो तो ब्लर कर सकते हो। कैसे ब्लर करोगे? ब्लर करने के लिए बस आपको तीसरा वैल्यू देना है, 5 पिक्सल या 10 पिक्सल 20 पिक्सल, जितना ब्लर करना वो आप दे सकते हो, परफेक्ट। ये देखिए ये आपका ब्लर हो गया, तो ये शेडो ही है, परफेक्ट। तो शेडो किसका है? ये जस्ट फोर कोड जो लिखा हुआ, इसका शेडो है ये, परफेक्ट। आपने शेडो से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ा। इसको थोड़ा और कम कर देते हैं, इसको मैं 0 कर देता हूँ, इसको भी 0 कर देता हूँ। मैं लेफ्ट सॉरी वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूव नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं 5 पिक्सल ब्लर शेडो देता हूँ। तो अभी ये ब्लर दिखेगा सिर्फ, ये देखिए है ना, इस तरीके से शेडो दिखा। तो इस तरीके से अगर आप शेडो दिखाना चाहते तो ऐसे दिखा सकते हैं, परफेक्ट। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, जैसे कि इसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर का यूज कर सकते हो। तो बैकग्राउंड कलर अगर आप देते हैं, यानी कि बैकग्राउंड कलर सॉरी यहाँ पर कॉमा नहीं देंगे, टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखिए जरा बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड या बैकग्राउंड कलर दोनों लिख सकते हो। बैकग्राउंड में अगर आप लिखा इस तरीके से, और यहाँ पर अगर आपने एक्वा दी, एक्वा कलर अगर आप ऐसे लिखते हैं, तो देखिए जरा रिलोड करेंगे तो इसके बैकग्राउंड कलर में एक्वा आ जाएगा। ये देखिए ना, एक्वा कलर आ गया, परफेक्ट। तो इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर। तो टेक्स्ट का कलर आपने पढ़ा था कैसे चेंज करना, कलर वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसका कलर व्हाइट कर देंगे, तो आपका टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाएगा। ये देखिए रिलोड करेंगे, व्हाइट हो गया, ठीक है। इस तरीके से शेडो आया, यानी कि अगर आप ये जो शेडो है इसको ब्लैक करते हैं, जो शेडो है इसको आप ब्लैक कर दिए, तो ब्लैक करने के लिए #00 का यूज कर लीजिए, ये भी ब्लैक कलर ही होता है, यानी कि ये हेक्स कोड होता है कलर का। रिलोड करिए, ये देखिए ब्लैक शेडो में कितना अच्छा दिखा गया, परफेक्ट। इस तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो ये टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज थी, और भी प्रॉपर्टीज हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, जैसे कि आप जो है लेटर स्पेसिंग का यूज कर सकते हो। तो लेटर स्पेसिंग, जैसे आपने 5 पिक्सल लिया, तो लेटर का मतलब हो गया कि 5 पिक्सल यहाँ पर लिखिए पहले, अगर आप 5 पिक्सल, परफेक्ट। लेटर का मतलब जैसे ये देखिए जे है, यू है, ST, ये सब लिखे, ये लेटर है, तो इनके बीच में 5 पिक्सल का गेप आ जाएगा। रिलोड करेंगे, देखिए जरा, तो लेटर स्पेसिंग, ये देखिए लेटर स्पेसिंग हमने यूज किया, तो सभी के बीच में 5 पिक्सल का गेप आया। और ज्यादा बढ़ाएंगे इसको, अगर आपने 20 पिक्सल किया तो जितना भी लेटर है, जितना भी लेटर होगा S1 के अंदर, वो सारे 20 पिक्सल गेप में आ जाएंगे। ये देखिए ना 20 पिक्सल, तो लेटर स्पेसिंग आप दे सकते हो। इसी तरीके से एक और होता है वर्ड स्पेसिंग, इसको मैं कम कर देता हूँ, इसको मैं सिर्फ 3 पिक्सल करूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा लेटर स्पेसिंग। रिलोड करेंगे तो ये इसको कुछ इस तरीके से, वर्ड स्पेसिंग भी होता है। तो वर्ड का मतलब ये एक पूरा वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है, और ये अलग वर्ड है, ठीक है। लेटर का मतलब ये अलग लेटर, ये अलग लेटर, ये अलग लेटर। वर्ड स्पेसिंग अगर आप दीजिए जरा यहाँ पर, तो ऐसे लिखेंगे वर्ड स्पेसिंग, परफेक्ट। तो वर्ड स्पेसिंग, वर्ड ब्रेक, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे। वर्ड स्पेसिंग अगर आपने ऐसे दे दिया 20 पिक्सल, तो जितने भी वर्ड होंगे उनके बीच में 20 पिक्सल का गेप आ जाएगा। जैसे ये जस्ट फोर कोड है, इसके बाद 20 पिक्सल का गेप आएगा। रिलोड करिए, ये देखिए है ना, यहाँ पर 20 पिक्सल गेप बना, यहाँ पर भी बना, इस तरीके से ये आपका गेप बनेगा। तो ये आपका वर्ड स्पेसिंग हो गया, इसी तरीके से आपको काम करना है, परफेक्ट। अलाइनमेंट से रिलेटेड कई सारी, यानी कि अलाइनमेंट सेंटर राइट, ये सब वैल्यू दे सकते हो, वर्ड स्पेसिंग आपने दिया। इसी तरीके से आपका होता है जो है टेक्स्ट लेटर स्पेसिंग आपने दिया, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, बहुत सारी, काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो जितना भी प्रॉपर्टी है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में ही। अभी तो नहीं मिलेगा आपको नोट्स, लेकिन मैं आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स, ठीक है। फिर आपको वो चीज मिल जाएगी, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, वहीं से आप डाउनलोड कर पाएंगे नोट्स को। तो जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं वो सारे मैं नोट्स के अंदर डाल दूंगा। आप जो है बस इस पे प्रैक्टिस करते रहिए, जितना भी आपको पढ़ाया गया वो सब प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका Chapter 3 नहीं था CSS का, और भी काफी सारी चीजें हैं CSS के अंदर जो कि आप सीखेंगे धीरे धीरे। तो टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, और भी प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़ा देते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे ही प्रैक्टिस करना है। जैसे कि अलाइन से रिलेटेड,
जैसे आप यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन अगर आप देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अगर आपने अंडरलाइन दिया, ऐसे लिखते हैं अगर आप अंडरलाइन, तो अंडरलाइन का मतलब हो गया कि देखिए जरा इसके नीचे जो है, यानी कि जो जस्ट फोरकोड, इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। देखिए लाइन आ गया ना, इस लाइन का कलर वगैरह भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर आपने रेड दिया तो इसके कलर, यानी कि इसका कलर जो है रेड हो जाएगा, ये देखिए रेड हो गया इस तरीके से। ठीक, टेक्स्ट अंडरलाइन, ओवरलाइन अगर आप करते हैं, यहाँ पर अंडरलाइन की जगह ओवरलाइन भी लिख सकते हो। तो ओवरलाइन अगर आपने लिखा तो ये ऊपर की तरफ शेड हो, यानी कि ऊपर की तरफ ओवरलाइन आएगा, जो लाइन आ रहा था वो ऊपर आएगा। ओवरलाइन अंडरलाइन दोनों दे सकते हो इस तरीके से। तो दोनों अगर आपने दिया तो ऊपर नीचे दोनों की तरफ आएगा, ये देखिए है ना इस तरीके से। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन अगर आपने कर दिया, तो कई सारे जगह पे आपको इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज करना होगा, धीरे धीरे आप समझेंगे। फिलहाल हमने H1 पे अप्लाई किया, यही सारा चीज अगर आप P-टैग पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी करिए, ये रहा आपका P-टैग, इसमें भी पेस्ट कर दीजिए, तो ये सारी चीजें P-टैग पे भी अप्लाई हो जाएंगी इस तरीके से। अगर आप रिलोड करेंगे तो P-टैग पे भी ये सारी चीजें अप्लाई होंगी। ये देखिए ना, ये जरा अंडरलाइन और ओवरलाइन को हटा दीजिए इस तरीके से, रिलोड करेंगे इस तरीके से, परफेक्ट। ये देखिए P-टैग पे भी सारी चीजें अप्लाई हो गई। तो आपको इसी तरीके से काम करना है, धीरे धीरे सबको समझ में आएगा, पेशेंस रखना है। होप आपने एंजॉय किया होगा CSS का चैप्टर। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड से यू सो। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कुछ भी समझने में इशू है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहता है, वहां से ज्वाइन करिए, आपकी हेल्प अच्छे तरीके से कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड अगेन, सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।